हेलो कॉलेज वालों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निशा, जो लेकर आई हूं आपके लिए ये वीडियो कॉलेज वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो अब कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, आपको कुछ स्कॉलरशिप्स का पता होना चाहिए, जिससे आप कुछ ज्यादा नहीं तो अपने स्कूल की या कॉलेज की फीस निकाल लो। कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर आप किस तरीके से उन स्कॉलरशिप को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो है ईशान उदय स्कॉलरशिप। जो ये स्कॉलरशिप है, उसमें जो कॉलेज है वो UGC अप्रूव्ड होना चाहिए, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। और आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल डिग्री है, जनरल डिग्री एज इन कोई भी डिग्री, उसके लिए आपको 5,400 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और जो प्रोफेशनल डिग्री हो गई, प्रोफेशनल डिग्री एज इन आप मेडिकल कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 7,800 रुपये पर महीना दिया जाएगा। जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए डेट है वो है 31 अक्टूबर से पहले आप हर साल इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PG स्कॉलरशिप फॉर रैंक होल्डर्स। जैसे ही ये स्कॉलरशिप है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये स्कॉलरशिप रैंक होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप UG में हैं, UG में आपकी रैंक आई है, अगर फर्स्ट आई है, सेकेंड आई है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है वो 60% या इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम है तो इस स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं है। उसके बाद जो आपकी एज है, एज आपकी होनी चाहिए 30 साल तक, 30 साल से अगर ज़्यादा आपकी एज है तो आप इस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते। उसके बाद सिलेक्शंस के बाद, जब आपके स्कॉलरशिप में या स्कॉलर आप बन जाते हैं, स्कॉलरशिप के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपको 3100 रुपये हर मंथ मिलेंगे, जो कि आपके एक PG के टाइम के लिए, एज इन 2 साल तक आपको हर महीने 3100 रुपये दिए जाएंगे। PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, अपने पेरेंट्स की जो सिंगल या इकलौती बेटियां हैं, उन लोगों के लिए है ये स्कॉलरशिप। और इस स्कॉलरशिप का जो मेन मोटिव है वो है गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो है 36,200 रुपये जो सिलेक्टेड स्कॉलर्स हैं उन्हें हर साल मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एज है वो भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वो रेगुलर कोर्सेज के होनी चाहिए, डिस्टेंस कोर्सेज जो है वो उसमें अवेलेबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब एक स्कॉलरशिप है, इसकी टर्म्स यही है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो रेगुलर कोर्सेज में ही होगा, तभी हम उसको वो स्कॉलरशिप दे पाएंगे, या फिर डिस्टेंस कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। तो जैसे कि आज हमने बात की स्कॉलरशिप्स की, मैंने आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया, कॉलेज आपके स्टार्ट होंगे, आप इन स्कॉलरशिप्स का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। या आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक के लिए हम आपको गाइड करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।